एलएसी पर तनातनी खत्म करने को लेकर इंडिया का एक्शन। चीन की सेना ने डिसएंगेजमेंट समझौते पर दस्तखत किए। चीन के सेना के हस्ताक्षर के फौरन बाद चीनी सेना ने अपना पहला टैंक पीछे किया। थोड़ी देर बाद कई और टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हटाई। संसद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत का मैसेज साफ, एलएसी के सभी विवादित जगहों से पीछे हटे चीन। राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सेना ने पैंगोंग सो के इलाके में बहादुरी दिखाई, इसी शौर्य की वजह से भारत मजबूत स्थिति में है। संसद में राजनाथ सिंह ने फिर भरी हुंकार, कहा 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे। रक्षा मंत्री बोले, एलएसी को माना जाएगा और सीटस को बना रहेगा, बातचीत के स्तर पर हमने कुछ भी नहीं खोया। राज्यसभा में चीन के मसले पर बोले राजनाथ सिंह, 48 घंटे के अंदर दोनों देशों के बीच बात होगी। राजनाथ सिंह ने कहा, अप्रैल 2020 के बाद साउथ बैंक पर हुए निर्माण को हटाया जाएगा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को डिसएंगेजमेंट की पुष्टि की थी। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सैनिकों के हटने की बात कबूल की थी। डिसएंगेजमेंट समझौते को लेकर राहुल गांधी का बयान, पूछा सरकार सैनिकों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। राजनाथ सिंह के संबोधन पर बोले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, भारत बनने जा रहा है विश्व गुरु। उत्तराखंड हादसे में मारे गए 36 लोगों के शव मिले, 10 शवों की पहचान हुई। चमोली हादसे में लापता लोगों के बचाव अभियान में आई दिक्कतें, जलस्तर बढ़ने के बाद कई बार रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी का लेवल बढ़ने की वजह से एनटीपीसी के पास भी कुछ देर तक बचाव अभियान रुका, पत्थरों के गिरने की आशंका थी। एनटीपीसी के इंजीनियर का बयान, कहा पूरी तरह से ट्रेन है रेस्क्यू करने वाले जवान। चमोली पुलिस ने जारी किया अलर्ट, नदी के आसपास के लोगों को अलर्ट रहने को कहा। पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी ने उठाया सवाल, केदारनाथ और चमोली हादसे से जो सबक लिया उसकी समीक्षा। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले नीतीश कुमार, कहा शिष्टाचार मुलाकात थी। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में शुरू की परिवर्तन यात्रा। अमित शाह ने पूछा, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा। उत्तर 24 परगना में अमित शाह की रैली, कहा अप्रैल तक काफी वक्त है, जब तक ममता हार नहीं जाती आता रहूंगा। बंगाल के कूच बिहार में ममता पर अमित शाह ने बोला हमला, का इलेक्शन खत्म होते होते ममता भी जय श्री राम बोलेंगी। ममता सरकार पर अमित शाह का निशाना, बोले बंगाल की लड़ाई मोदी सरकार के विकास मॉडल और ममता के बर्बाद मॉडल के बीच। गृहमंत्री बोले कोरोना की वजह से रुका सीएए का काम, खत्म होते ही नागरिकता देने का काम करेगी बीजेपी सरकार। अमित शाह बोले मोदी सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है, ममता भतीजा कल्याण करती है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता ने भी की रैली, बोली मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन मेरी अनदेखी नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ईवीएम पर जताया भरोसा, कहा पंजाब राजस्थान में भी ईवीएम की बदौलत ही कांग्रेस सरकार बनी। देवेंद्र फडणवीस ने भी ईवीएम के मुद्दे पर बोला हमला, कहा हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने के बजाय जनता के बीच जाए कांग्रेस। तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन के दौरान कन्याकुमारी की संसदीय सीट के लिए भी होगा चुनाव। चुनाव के दौरान मतदान का समय 1 घंटे और बढ़ाया जाएगा, जल्द होगा तारीखों का ऐलान। गुपकार गठबंधन ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में डीडीसी अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। प्रयागराज में प्रियंका गांधी ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात की, कहा शंकराचार्य से पुराने संबंध है। किसानों ने 18 फरवरी को देशभर में रेल रोकने का ऐलान किया, 4 घंटे के लिए रोकेंगे रेल। किसान नेता 12 फरवरी से राजस्थान में टोल प्लाजा फ्री करेंगे, 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। किसान नेताओं का बयान, 12 फरवरी से 23 फरवरी तक 5 महापंचायत होंगी, राजस्थान के 3 जिले शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया, कहा किसानों के खिलाफ नहीं है कानून। नीतीश कुमार ने किसान आंदोलन बातचीत से खत्म होने की उम्मीद जताई, कहा आज नहीं तो कल समाधान निकलेगा। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने पंजाब के बाद राजस्थान में भी किसान महापंचायतों के आयोजन की बात कही। हनुमान बेनीवाल ने पंजाब के किसानों के रेल रोको आंदोलन का समर्थन किया, कहा उनकी पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की, कहा किसानों से बात करके नया कानून बनाया जाए। सचिन पायलट ने बीजेपी को पलटने वाली प्रवृत्ति का बताया, किसानों के खिलाफ कोई काम नहीं करती कांग्रेस। रविशंकर प्रसाद की ट्विटर को चेतावनी, कहा नहीं चलेगा दोहरा रवैया, अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा का विरोध किया, लाल किला हिंसा का समर्थन क्यों। बुराड़ी में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में 3 और गिरफ्तार, पुलिस ने गुरप्रकाश, राजेंद्र सिंह और गुरजीत सिंह को पकड़ा। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है पुलिस, सिद्धू के साथ इकबाल सिंह से भी पूछताछ की गई। दीप सिद्धू को हिंसा का वीडियो दिखाया गया, उपद्रवियों की पहचान करवाने की कोशिश। सिद्धू की सोशल मीडिया एक्टिविटी पर भी नजर, टेक्निकल एविडेंस को लेकर भी आगे होगी पूछताछ। प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी सांसदों को संबोधित किया, कहा हमने महापुरुषों के सपनों को किया पूरा। 5 साल की बच्ची तीरा की जान बचाने के लिए आगे आए प्रधानमंत्री मोदी, इंजेक्शन पर 6 करोड़ का टैक्स माफ किया। कीरा को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए, देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री को लिखी थी चिट्ठी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक और पीयूष गोयल ने द इंडिया टॉय फेयर 2021 की वेबसाइट का उद्घाटन किया। 13 फरवरी से 21 मार्च तक आम लोगों के लिए खुलेगा मुगल गार्डन, एंड एंट्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से होगी। प्रियंका गांधी की सियासी डुबकी, मौनी अमावस्या के मौके पर संगम के तट पर लगाई डुबकी। लोकसभा में 3 कृषि कानूनों पर बोले राहुल गांधी, कानूनों का पहला लक्ष्य मंडी को खत्म करना। राहुल बोले कृषि कानूनों से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, किसान अपने अधिकार के लिए सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। राहुल गांधी सदन में हम दो हमारे दो का मतलब समझाते देखे, कहा आज देश को मात्र 4 लोग चलाते हैं, शायद उनके नाम बताने की जरूरत नहीं।
किसान आंदोलन को राहुल गांधी ने देश का आंदोलन कहा किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं। राहुल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा इस सरकार ने देश को तीन ऑप्शंस, भुखमरी, बेरोजगारी और आत्महत्या दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। बुधवार से शुरू हुई है बजट पर बहस। बजट को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा बजट में आम आदमी की उपेक्षा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस राज में गरीबी तो नहीं मिटी, गरीब मिट गए। बजट चर्चा के दौरान पी चिदम्बरम का बयान, कहा गलत आर्थिक प्रबंधन की वजह से जीडीपी तीन साल पहले जितना हो पाएगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा साल 1990 के बाद से आम बजट केवल खास लोगों के लिए बना। मनोज झा ने केंद्र सरकार पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया, कहा हम खैरात नहीं चाहते। विमान विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम कार्यालय ने जारी किया बयान, कहा राजभवन को विमान की उपलब्धता जांच देनी चाहिए थी। विमान विवाद मामले में देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा राज्यपाल को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी ठाकरे सरकार को घेरा, कहा राज्यपाल का अपमान हुआ, ठाकरे माफी मांगे। कोलकाता में लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे छात्र संगठन। कोलकाता लाठीचार्ज का मुद्दा गरमाया, लेफ्ट ने शुक्रवार को 12 घंटे का बंद बुलाया। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, सीआरपीएफ के दो जवान जख्मी। यूपी में माफिया मुन्ना बजरंगी हत्या करने वाला शार्प शूटर अभिनव प्रताप सिंह गिरफ्तार। देश में कोरोना के 12,923 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 108 मरीजों की मौत। देश में अब तक 74,30,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे में कोरोना का एक भी केस नहीं। एक दिन में देश में करीब 7,00,000 लोगों की कोरोना जांच की गई, अब तक 20.5 करोड़ लोगों के टेस्ट हुए। राष्ट्रपति कोविंद ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम की तारीफ की, कहा भारत ने विश्व के लिए अग्रिम मोर्चे की लड़ाई लड़ी। दिल्ली में कोरोना के 142 नए मामले, 24 घंटे में सिर्फ 2 मरीजों की मौत हुई। अमेरिका ने WHO की वुहान वाली जांच रिपोर्ट को मानने से इनकार किया, स्वतंत्र जांच करवा सकता है अमेरिका। WHO ने एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के ज्यादा इस्तेमाल की सिफारिश की, सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है वैक्सीन। ब्रिटेन की जेनेटिक सर्विलांस चीफ का बड़ा बयान, कहा कोविड का केंट नाम का वेरिएंट पूरी दुनिया को गिरफ्त में ले लेगा। जर्मनी में 7 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन, चांसलर एंजेला मार्केल बोली समय से नहीं उठाया कदम। तुर्की ने चीन की दवा के लिए 5 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया, फाइजर और स्पुतनिक वी के भी लगेंगे टीके। इसराइल ने कोरोना की नई वैक्सीन बनाने का दावा किया, कहा 96% असरदार है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने शी जिनपिंग से बात की, कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई बात। अमेरिकी राष्ट्रपति का म्यांमार को लेकर सख्त फैसला, म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। जो बाइडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, म्यांमार के सैनिक शासकों की अमेरिका में $1 अरब की संपत्ति को सीज किया। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ जापान में प्रदर्शन जारी, नेता आंग सान सू ची को जल्द रिहा करने की मांग। अमेरिका के डेमोक्रेट नेताओं का दावा, स्पीकर नैंसी पेलोसी की हत्या करना चाहते थे कैपिटल हिल के दंगाई। सीनेट में दंगे की नई फुटेज दिखाई गई, सदन बचाने के लिए कई अधिकारी दंगाइयों से बुरी तरह जूझ रहे थे। हैती में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन जारी, तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के जज समेत कई गिरफ्तार। वेस्ट बैंक इलाके में इसराइल ने एक मकान को धमाके में उड़ाया, फिलिस्तीनी मकान मालिक पर मर्डर का आरोप। टोक्यो ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पद से हटेंगे येशिरो मोरी, महिलाओं पर की थी विवादित टिप्पणी। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, 490 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की नेता राजकुमारी झाकरी गिरफ्तार, राष्ट्रपति के खिलाफ की थी टिप्पणी। नेपाल ने 3 भारतीय पर्वतारोहियों पर 6 साल का बैन लगाया, 2016 में समिट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। बहामास में एक सुनसान आइलैंड से 2 पुरुष और 1 महिला को बचाया गया, 33 दिन तक आइलैंड पर फंसे रहे। नेदरलैंड्स में ठंड ने तोड़ा एक दशक का रिकॉर्ड, 32 किलोमीटर लंबे डैम का पानी जमा, -20 डिग्री पहुंचेगा तापमान। चीनी कैलेंडर के मुताबिक शुक्रवार से शुरू होगा लूनर ईयर, कोरोना काल में भी नए साल पर जश्न की तैयारी। रिलायंस और फ्यूचर्स ग्रुप के सौदे के खिलाफ अमेजॉन कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे कम हुआ, 1 डॉलर की कीमत 72 रुपए 87 पैसे और सेंसेक्स 222 और निफ्टी 66 अंकों की बढ़त के साथ बंद।